नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी एक्सप्रेस शो मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी MRI। जंग तो इजराइल और गाजा में हो रही है, लेकिन अमेरिका में कोहराम मचा है। दुनिया भर के सबसे बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी में आजकल हालात का अंदाजा सामने आई कुछ तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। अमेरिका के कॉलेज दुनिया के महंगे कॉलेजों में से एक है, जहाँ पढ़ने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, न जाने कितने एग्जाम पास करने पड़ते हैं। इन कॉलेजों में आजकल न किताबें पढ़ी जा रही हैं और न क्लास हो रही है। वहाँ इन दिनों विद्रोह, नारेबाजी, गिरफ्तारियां होती दिख रही है। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि ये 25 यूनिवर्सिटी तक फैल चुका है, जिसमें कोलंबिया, येल, टेक्सास, ऑस्टिन, लॉस एंजल्स जैसी नामी यूनिवर्सिटी शामिल है। अमेरिका के कॉलेजों में फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र इसराइल से रिश्ता तोड़ने और गाजा में संघर्ष विराम जैसी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कैंपस में तंबू लगा दिया है, मांगे पूरी होने तक वहां बने रहने की बात करते नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शन की शुरुआत न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई, धीरे धीरे अमेरिका के पूरे कॉलेजों में ये फैल गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने की भरसक कोशिश की जा रही है। पुलिसिया कार्रवाई में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी वे पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आए। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि अमेरिका में फिलिस्तीन सपोर्ट वाले प्रदर्शन की कहानी क्या है, इन प्रदर्शन का अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, भारत ने अमेरिका को क्या नसीहत दे डाली है और इस प्रदर्शन में जॉर्ज सोरस का एंगल क्या है। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 93 गिरफ्तार। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान अतिक्रमण के संदेह में 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सार्वजनिक सुरक्षा उपाध्यक्ष चेरिल एलियट के अनुसार स्कूल में विरोध प्रदर्शन के दौरान 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 20 एमओडी समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं। जॉर्जिया राजगृहस्थी दल के अनुसार विरोध प्रदर्शन के दौरान सैनिकों ने अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ब्लैक पेपर के गोले भी छोड़े और जॉर्जिया के एमओडी विश्वविद्यालय के सामने आए दृश्यों में सुरक्षा बल फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को पीटते, आंसू गैस के गोले छोड़ते और अकस्मात तौर पर भीड़ और प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां चलाते हुए नजर आएंगे। विश्वविद्यालय परिसर में स्नूपर्स। ओहियो यूनिवर्सिटी का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और इंडियन ब्लूमिंगडेल यूनिवर्सिटी की छतों पर कुछ स्नाइपर्स देखे गए। हालांकि विश्वविद्यालय प्रवक्ता बेन जॉनसन ने स्पष्टीकरण में कहा कि छतों पर देखे गए लोग राज्य के सैनिक। इस बीच इंडियन यूनिवर्सिटी में पुलिस विभाग ने कहा कि डनमीडो में तंबू इकट्ठा करने से कैंपस इलाकों का उल्लंघन हुआ और उन्हें हटाने से इनकार करने पर 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शनों के पीछे जॉर्ज सोरस और रॉकफेलर ब्रदर्स की फंडिंग। प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चल रहे फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के बीच यह पता चला है कि जॉर्ज सोरस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे लोग प्रदर्शनकारियों को वित्त पोषित कर रहे हैं और परिसरों में अशांति पैदा कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक टिप्पणी में पत्रकार ईरा स्टोल ने जोर देकर कहा कि अमेरिका की दो सबसे बड़ी परोपकारी संस्थाओं द्वारा देश भर के परिसरों को बाधित करने वाले हरकतों के लिए कार्यकर्ताओं को भुगतान किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार का कहना है कि यहूदी विरोधी प्रदर्शन में शामिल मलक अफने और क्रेग ब्रिगर मार्टिन नामक दो छात्र कार्यकर्ताओं को बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ईरा स्टोल के अनुसार फिलिस्तीनी अधिकारियों के लिए अमेरिकी अभियान 3 महीने के लिए 8 घंटे प्रति सप्ताह के काम के लिए कैंपस आधारित अधियोताओं को 2,880 से लेकर $3,360 का भुगतान करता है। उन्होंने कहा कि फेलोशिप को एजुकेशन फॉर जस्ट पीस इन द मिडिल ईस्ट द्वारा प्रायोजित किया गया, जिसे 2018 में जॉर्ज और एलेक्स सोरस द्वारा संचालित अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से $7,00,000 प्राप्त हुए थे। भारत ने क्या कहा? भारत के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉलेज में प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विभिन्न परिसरों में पुलिस अधिकारियों ने सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिससे अधिकारियों के हनन की चिंताएं पैदा हो गई हैं। नई दिल्ली ने वाशिंगटन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी है। चूंकि भारत परंपरागत रूप से अन्य देशों के आंतरिक मामलों की टिप्पणी से करने से बचता रहा है, इसलिए यह ताजा मामला बयान भारत की तरफ से आया है, वो उसकी नीति में बदलाव को दर्शाता है। अतीत में अमेरिका नए नागरिकता कानून और किसानों के विरोध से जुड़े घरेलू नीतिगत फैसलों पर अपनी राय अधिकतर देता आया है। ऐसे में भारत अब अमेरिका को उसी की दी हुई दवा का स्वाद चखाने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन नेतन्याहू ने क्या कहा? इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रदर्शन को खतरनाक बताया। उन्होंने इस प्रदर्शनों को रोकने के लिए और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने इन प्रदर्शनों की तुलना नाजी जर्मनी से भी कर दी। वहीं व्हाइट हाउस ने भी इस प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसकी तुलना आतंकवादियों की भाषा से की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसकी निंदा की है। बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए न सिर्फ इजरायली विरोध प्रदर्शनकारियों की निंदा की, बल्कि उन लोगों की भी आलोचना की है जिन्हें ये नहीं पता कि फिलिस्तीन में क्या चल रहा है। तो आज हमने आपको अमेरिका के कॉलेजों में हो रहे प्रदर्शन के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत, ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।